नमस्कार। हम थ्री मैचमैन आज फिर आपके सामने आ गए एक और एक रेबड़ी लेके। मार मत मुझे। तो आज क्या है कि कई सारे ऐसे रेमेडीज हैं जो रोज़मर्रा की आपकी क्लिनिक में, आपकी प्रैक्टिस में बहुत काम के हैं, लेकिन वो अभी थ्री नाइस मैन ने आपको एक्सप्लेन किए नहीं है। तो हमारा ये दायित्व बनता है और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि उसके बारे में हम आपको अच्छे से बताएं। आपने जो उसके बारे में रीडिंग्स है, जो हमें पता है, वो हम आपको बताएं, और आपको जो पता चलता है वो भी आप बाकी से शेयर करो। यही HHF का मोटो है, शेयर एंड ग्रो। ठीक है, तो आज हम लेंगे एक फंटास्टिक रेमेडी जो बहुत कॉमन है, और उस रेमेडी का नाम है कॉकुलस इंडिकस। कॉकुलस इसके पहले कॉकुलस हम लोग चालू करें, मैं ये चीज शेयर करना चाहता हूँ कि HHF में आने के पहले मैं कॉकुलस कब देता था, कार सिकनेस के लिए, बस फुल स्टॉप। वॉमिटिंग जो कार सिकनेस हुआ, बस में जाना है, बस सर जाना है, उल्टी होता है, तो उसमें 100 बार अगर दिया है तो उसमें 10-15 बार काम भी किया है, सभी के काम नहीं किया है। लेकिन कॉकुलस का जो एसेंस है, कॉकुलस को जिस स्तर पर समझना चाहिए, जिस स्तर पर हमारे डॉक्टर हनीमन सर चाहते थे कि हम उसको समझें, डॉक्टर कैन साहब जैसा चाहते थे, उस स्तर पर समझने के लिए भगवान ने मुझे HHF में भेज दिया। तो अभी कॉकुलस लेफ्ट हैंड राइट हैंड रेमेडी, मतलब वी कैन आई कैन एटलीस्ट आई कैन प्रिस्क्राइब दिस वेरी इजीली, क्योंकि कॉकुलस बहुत कॉमन रेमेडी है, हफ्ते में 2 बार तो दी ही जाती है कम से कम। ठीक है, लेकिन उसको कैसे प्रिस्क्राइब करना है ये हम लोग आज देखेंगे फटाफट। जैसे आलोक ने अभी बात छेड़ी कि कॉकुलस जो हम लोग कार में, बस में, बच्चे, बड़े, कोई भी जिनको ना ट्रैवल करने से बहुत डर लगता है, क्योंकि वो उनको वॉमिटिंग चालू हो जाती है, हेडेक चालू हो जाता है, और बहुत मुश्किल हो जाता है उनको, कोई भी ट्रैवल है बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ता है। लेकिन देखो, अभी एक चीज़ में छोटी सी चीज़ बताता हूँ। एक केस है, मेरे एक फ्रेंड का फ्रेंड है, इसकी छोटी बच्ची है लोग, उनको इतनी दिक्कत होती थी कि उस बच्ची को कार के पूरे शीशे खुले होने चाहिए, अगर खुले नहीं है, और वो बच्ची हमेशा उसके पापा को बोलेगी धीरे करो गाड़ी, धीरे करो, फास्ट मत चलाओ, तो कहीं पर भी जाते वक्त तो या इधर उसको घर पे छोड़ के जाना पड़ता था, या फिर बहुत धीमे चलाना पड़ता था, और बैग हमेशा कैरी करनी पड़ती थी, या फिर गाड़ी रोकनी पड़ती थी, बहुत परेशान होते थे पेरेंट्स। तो ये जो केस था ना, यहाँ पे तो अगर हम मतलब कॉलेज के तौर पे अपना जो नॉलेज है उसके बेसिस पे अगर प्रिस्क्राइब करें कॉकुलस, तो काम करनी चाहिए, राइट? लेकिन ऐसा था नहीं, और ये जो केस आया शायद 1.5-2 साल हुए जब वो मेरे पास लेके आए उसको, तो वो क्या करती थी ना, जब गाड़ी में बैठती थी ना तो उसको जैसे अनइजी लगता था ना, वो ऐसे ना चेयर को पकड़ लेती थी, या फिर मम्मी को बोलती थी मुझे पकड़ो, या फिर पापा को हमेशा ना ऐसे ना पैर दबाएगी ऐसे, मतलब जैसे फास्ट हो जाएगी गाड़ी ना, पैर ऐसे पैर है ना, पापा बोले अरे मुझे नाखून लग रहे, तो वो पैर दबाएगी और बहुत परेशान होगी, बहुत परेशान, रेस्टलेस हो जाएगी, और जब तक है ना ऐसे ही रुकी रहेगी, पकड़ के रुकी रहेगी, आग बंद करेगी, इधर उधर देखेगी ऐसे, और जब तक डेस्टिनेशन नहीं आता तब तक उसका ऐसे रहेगा, बीच में इतना पैनिक हो जाती थी वो, आग चिल्लाने लगती थी कि गाड़ी रोको अभी के अभी रोको, फिर उसको ये वॉमिटिंग हो जाएगी, फिर पूरा 2 दिन तक हेडेक चालू हो जाएगा, ऐसे काफी सालों तक चल रहा था उस बच्चे का। लेकिन छोटी बच्ची, मतलब 5th-6th standard में रहेगी या 7th standard में रहेगी, तो ये जस्ट आलोक की बातों से मुझे याद आया ये चीज। लेकिन इसको कॉकुलस नहीं दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी चीजें समझता था। yes. ये जो होता ना held, desire to be held, this is prescribing at a higher level. सिर्फ ये सुन करके कि भाई कार सिकनेस है, कॉकुलस को प्रिस्क्राइब करना मेरे ख्याल से उतना वाजिब नहीं है। उल्टी को दवा मत दो। हाँ, उल्टी पर दवा मत दो, क्योंकि कार सिकनेस में और भी सारी दवाइयाँ हैं, और उसके हिसाब से हमें मैन को प्रिस्क्राइब करना, मैन को समझना है। अब ये इस तरीके का बिहेवियर कॉकुलस का तो नहीं होता है। तो इस लड़की को ना जलसेमियम दिया था,
क्योंकि इसको ना हमेशा एग्जामिनेशन का डर, मतलब वो वाली एग्जाम नहीं स्कूल वाली, कार में जाना है, ये तो बड़ा दिव्य है, ये बड़ा दिव्य है, कार में जाना और, मतलब और उसके लिए बहुत बड़ी एग्जाम है। हैं पिछला वाला लेक्चर, ये उसके लिए ऑर्डियल भी हो सकता है, ये उसके लिए ऑर्डियल है, उसके उस ऑर्डियल में से गुजरना। तो ऑर्डियल एग्जाम के बारे में अगर आपको समझना है तो हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए काली ब्रोम का, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्डियल का मतलब क्या होता है। और जलसे में भी हमने वीडियो डाला हुआ है, तो ये केस भी अगर आप समझेंगे उस हिसाब से कि उसको उसको चाहिए कि माँ उसको पकड़ के रखे, ये खुद क्लिंग कर रही है, कंट्रोल, थोड़ा कार फास्ट नहीं स्लो, मतलब अगर कंट्रोल छूट जाता है मसल्स, मतलब कार की स्पीड पे, तो इसका भी कंट्रोल छूट जाएगा और ये वॉमिटिंग चालू हो जाएगी। तो ये जो था ना, ये प्रिस्क्राइबिंग था यहाँ पे, और उसको जैसे जलसे में दिया तब से लेके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मतलब उसको ट्रैवलिंग में किसी भी चीज में उसको दिक्कत नहीं है। अब ये चीज समझने वाली है कि जब हम पहले प्रिस्क्राइब करते थे, ये जर्नी है जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि जो हम पहले प्रिस्क्राइब किया करते थे वो काम नहीं करता था तो हम उसको ऐसे छोड़ देते थे। तो अभी धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम दवाइयों की डेप्थ में जा रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है कि पहले हमारे प्रिस्क्रिप्शन फेल क्यों होते थे। और यही लॉजिक है कि बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो होम्योपैथी को गलत तरीके से प्रिस्क्राइब करके या किसी भी ऐसे क्या कहते हैं फंडामेंटल्स को चूज करके, कि जो एक मेथड है वो चूज करके होम्योपैथी प्रिस्क्राइब करते हैं, तो रिजल्ट्स तो नेगेटिव आने ही हैं। अगर आप डिजीज स्पेसिफिक होकर के जाओगे और बोलोगे कि हाँ भाई अमीनोरिया मेंसेस नहीं हो रहे हैं, डिसमेनोरिया माइग्रेन की ये दवा है, डिसमेनोरिया की ये दवा है, तो ऐसे होम्योपैथी नहीं होती है। प्लीज इंटेलेक्चुअल्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, देयर इज अ पर्टिकुलर मेथड बाय विच होम्योपैथी शुड बी प्रैक्टिस्ड, और उस तरीके से अगर आप प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे देन वी डू नॉट हैव द राइट टू जज, क्योंकि आपका मेथड ही रॉन्ग है किसी चीज को कंक्लूड करने के लिए, देन गॉड हेल्प अस, यू नो यू विल कम टू अ रॉन्ग कंक्लूजन। कैसा है, अगर आपकी रेमेडी काम करती है तो एचएचएफ कहता है सोचो क्यों काम किया, और अगर आपकी रेमेडी काम नहीं करती तो सोचो क्यों काम नहीं किया। यही होता है एक सच्चा होम्योपैथ, हु डेयर्स टू बी वाइज। वाइज बोले तो सोचो यार क्यों काम नहीं किया, फंडामेंटली ऐसा 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 ये है, फंडामेंटल है, लेकिन काम नहीं किया मतलब कहां गलत जा रहा हूं। बी वाइज नॉट इंटेलेक्चुअल, होशियार होना सिर्फ बात नहीं है, समझदार होना जरूरी। एंड वाइज पीपल आर ऑलवेज करेजियस, दे आर बोल्ड, दे एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स। अभी 10 पेशेंट अगर मेरे पास में आते हैं तो मैं 4 या 5 को सॉल्व कर पाता हूँ, 5 नहीं रह जाते, तो उन 5 को हमें ये ढूंढना है कॉज क्या, और कॉज क्या है कि मैं फेल क्यों हुआ, और उसके पीछे का जो कॉज है, पूरी जर्नी होम्योपैथी की जो 20 साल की जो है अभी तक मेरी, उसमें मैंने ये पाया है कि अभी तक मैं अनसक्सेसफुल तब हुआ जब मैं उस मरीज को नहीं समझ पाया, उस मरीज की जो मानसिकता है, जो उसका जो मेंटल और इमोशनल जो स्टेट है वो समझने में मुझसे गलती हुआ, इसलिए मेरे प्रिस्क्रिप्शंस गलत हुए। बिल्कुल, तो बात करते हैं कॉकुलस की, है ना, कॉकुलस पे चलते हैं। कॉकुलस अगर जैसे सल्फर बोले तो वेल्थ, जैसे फॉस्फोरस बोले तो हाइपोक्रेसी, एंड इंटेलिजेंस, जैसे लाइकोपोडियम बोले तो पावर, पावर, वैसे ही कॉकुलस बोले तो केयर, कॉकुलस केयर, केयर केयर केयर, इतनी केयर, इतनी केयर, ढेर सारी केयर, केयर के सिवा और कुछ नहीं, बस केयर केयर। ये बात नहीं है कि सिर्फ के बिना केयर के कॉकुलस नहीं मिलती, बिना केयर के भी कॉकुलस मिल सकती है, लेकिन उस केयर का शेड आपको उस व्यक्ति में जरूर नजर आएगा। और अगर केयर जरूर अगर आपके नज़र में आता है कि भैया इतना केयरिंग बंदा है, तो केयरिंग वाला बंदा है, तो आपके दिमाग में कॉकुलस आनी चाहिए और उस हिसाब से आपने सोचना चाहिए। केयर बोले तो सिर्फ कॉकुलस नहीं है, और भी केयरिंग बंदे हैं। पहले तो एक काम कर देना, केयर होती क्या वो बताओ पहले, केयर और एंजाइटी इसमें फर्क करो। यस, केयर और एंजाइटी में क्या फर्क है आप बताओ। बोलो एक और वर्ड जोड़ देते हैं, सिंपैथी, सिंपैथी, एक और शब्द जोड़ देते हैं, अरे तू बस लव, लव, हाय तुम्हारा फेवरेट है भैया, लव, लव गुरु है ये। तो एंजाइटी, केयर, लव एंड सिंपैथी, ठीक है। एंग्जाइटी में क्या होता है ना, आउटकम आपको पता नहीं होता, हिंदी में उसका अनुवाद करेंगे डॉक्टर आलोक। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एंग्जाइटी को एंग्जाइटी से ही समझते हैं। नहीं, लेकिन अगर हिंदी में कहें तो चिंता, चिंता, चिंता करना,
ठीक है, मतलब यार बच्चा अभी ऑफिस से निकला है, लेट हो गया, अरे 7 बजे निकला है, 8 बज गए, कहाँ होगा, कैसे होगा, फोन कर रहा है और फोन नहीं लग रहा है, फिर उसको सिस्टर को फोन किया, अरे वो भाई आया नहीं अभी तक तुम्हारा, क्या हो गया, कहाँ पे रह गया, कुछ होगा, कैसे पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, बस लेट मिलती, आजकल ट्रेन नहीं मिलती, पता नहीं वो सुबह से टिफिन भी नहीं लेके गया था, क्या होगा, ऐसा होगा, तब तक बेल बजाता है, बच्चा आ भी जाता है घर पे, लेकिन ये चलते जाता है। और भी अपने आपके पास केसेस आते हैं कि भैया क्या चिंता है, यही बच्चों की चिंता है, बच्चों का फ्यूचर कैसे होगा, अभी 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों का अभी एजुकेशन बाकी है, अभी इनका कॉलेज जाना बाकी है, कब ये बड़े होंगे, इनका सब सेटल तो होगा, लड़की की एज बढ़ रही है, शादी कैसे होगी, ये सोचते रहती हूँ मैं। ऐसे केसेस है ना आपके पास ढेर सारे, ये सब एंग्जाइटी वाले, ये एंग्जाइटी है आगे, उसमें क्या होता है ना कि उसमें कि बच्चा रोज आता है, उसी रास्ते से आता है, वही ट्रेन वही बस उसी टाइम पे निकलता है, आज थोड़ा सा कभी भूल गया टिफिन या कुछ, लेकिन इसको पता नहीं कि क्या क्यों डर लग रहा है, अरे एक ही घंटा थोड़ा सा आधा घंटा एक्स्ट्रा हो गया, हमेशा इतना ही टाइम लगता है, लेकिन उसको पता नहीं कि क्यों उसको चिंता हो रही है। शादी सब बच्ची लड़कियों की होती है, इसके 1-2 साल हो गए, कुछ रिश्ते आए जो नहीं जमा, बात नहीं जमी, 2 साल वेस्ट हो गए, तो इसको एंग्जाइटी, अरे पता नहीं आगे क्या होगा, तो उसको पूछे ना कि आपको ऐसा लगता है क्या कि इसकी शादी नहीं होगी, नहीं 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 सर ऐसा नहीं, शादी तो होगी, लेकिन सर 2 साल हो गए ना, 2 साल हो गए, 3 सर 4-5 रिश्ते अच्छा है, फिकर रहती है, लेकिन दिमाग में चलते रहते, यही चलते रहता है, लेकिन मतलब क्या एग्जैक्टली ना वो नहीं बता पाते, उसका आउटकम क्या होगा, उसके वजह से क्या प्रॉब्लम होगी, ये एंग्जाइटी में ना एग्जैक्टली बता नहीं पाते, मतलब उसको ऐसे नहीं लगता कि बच्चे का एक्सीडेंट होगा, उसको ऐसे नहीं लगता कि बच्चे को कोई उठा के लेके जाएगा, उसको ऐसे नहीं लगता कि बच्चे की शादी कभी होगी ही नहीं, कोई नहीं, ऐसा नहीं, उसको पता ही नहीं चलता कि ये बहुत सारी चीजें उसको परेशान करती है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता होता। जैसे फियर में क्या होता है, फियर में एग्जैक्ट है ना थोड़ा सा आइडिया होता है कि फियर, जैसे फियर ऑफ डेथ है तो उसको पता है कि मुझे मरने का डर है, एंग्जाइटी में है ना पता नहीं क्या होने वाला, क्या होने वाला पता नहीं होता है। ये सही है, एंग्जाइटी एक, दूसरा केयर ले लें, आपके लव भी लेने, नहीं नहीं केयर सबसे बाद में, केयर बाद में, सबसे केयर बाद में, तो लव बताओ, नहीं क्या था, सिंपथी, 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 सिंपथी में क्या होता है, सह अनुभूति सह अनुभूति मतलब कैसा होता है कि जैसे अगर योगेश को बहुत पेन हुआ चेस्ट में और खांसी हो रही बहुत तेजी से, अरे यार बहुत बहुत दर्द हो रहा है इसको यार, बहुत तकलीफ हो रहा है, ऐसा मैं करता नहीं हूँ, मैं तो और मौज लेता हूँ उसकी लेकिन अगर ऐसा करेगा तो ये सिंपति दिखा अभी ये अनुभूति कभी अभी जैसे कभी लोटस पोजीशन में बैठते हैं ना पलथी मार के, तो मैं वाइफ के साथ अक्सर ऐसा करता हूँ, क्योंकि जब वो मेडिटेट कर रही होती तो अक्सर ऐसा होता है जब लंबा बैठते हो तो सुन्न हो जाता है ना, तो मैं देख लेता हूँ अब ये नंब हो गया है, तो ऐसे जब भी इसका होता है तो जब आप उठोगे तो थोड़ा सा झंझनाएगा, है ना, तो उस वक्त जरा सा भी ऐसे करंट जैसा लगता है ना ओके मजा के पार्ट, तो जब मुझे ऐसा फील होता है कि इसको कितनी तकलीफ हो रही है उसकी अनुभूति मुझे होना, सिर्फ अनुभूति होना, मतलब शेयर कर रहे हैं आप इमोशन, जरूरी नहीं कि जाकर के यार उसके लिए पानी दे दें, जरूरी नहीं कि उसके लिए कोई लाके दवा दे दें, सिंपथी का मतलब यही होता है, तो सिंपथी में क्या होता है सिर्फ आप उसका जो पेन है उसको थोड़ा सा एहसास आप करते हो, जरूरी आप भी सह पाते हो कि अरे हल्ला, एक वीडियो एक यूट्यूब पे देखा था, बच्ची बोलती है उसके पेरेंट्स को कि आई एम नॉट गोइंग टू ईट नॉन वेज बिकॉज व्हेन यू कुक देम दे मस्ट बी फीलिंग यू नो ऑल दैट पेन, कितने हर्ट होते होंगे, ऐसा एक वीडियो था, वो आप देखो यूट्यूब पे मिलेगा, छोटी बच्ची है तो उसको ना फील हो रहा है कि ना वो चिकन को या फिर काट रहा है, मसाला लगा रहा है, कुक कर रहा है, तो वो बोलती कि ना उसको कैसे लगता होगा, उसको कितना पेन होता होगा, सो आई एम नॉट गोइंग टू हैव चिकन इन माई लाइफ, कभी भी नॉनवेज में खाने नहीं वाली हूँ, तो ये जो होता है ना आउट ऑफ सिंपथी एम्पथी जो होते हैं ना उसमें एम्पथी में और आगे सुबह के बारे में पूछते हैं तो अक्सर पेशेंट का अटेंडेंट या पेशेंट सर दूसरों का जो पेन है इनसे बर्दाश्त नहीं होता, देख करके इनकी आंखों में पानी आ जाता है, पानी भी आ जाएगा क्योंकि आप सर जो रास्ते में जो बेगर्स होते हैं ना बच्चे सर उनको देख करके बड़ी दया आती है मुझे कि बेचारे इन लोग का क्या होगा। अभी ये जो है ना ये पार्ट जो आलोक बता रहा है योगेश बता रहा है ये सिंपथी का एक्सप्रेशन है, लेकिन इसके आगे जाके वो उसको लेके आना उस एनिमल को घर पे, उसका देखभाल करना, उसको खिलाना पिलाना, उसको दवा करना, ये सारी जो आगे की चीजें करनी होती है ना इसको बोलते हैं केयर। लेकिन जब वो फील होता है ना कि सर वो सर कुत्ते को ऐसे गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा के लेके गए और फिर रुके ही नहीं और सब लोग देख रहे हैं उसको, उसका पैर टूट गया है
और मैं देख रही हूँ कि अरे ऐसा हो रहा है, मुझे इतना बुरा लगा सर, मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि रोको, हम लोग रुकते हैं, लेकिन हम उन्होंने रोका नहीं, वो जल्दबाजी में थे, उनको भी लेट हो रहा था, लेकिन सर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई फिर वो देख के। तो ये उसके लिए सिंपैथी है, लेकिन इसने केयर नहीं लिया लेकिन जाके, क्योंकि करने का चांस नहीं मिला शायद, लेकिन अगर ये उसको उठा के लेके आएगी या फिर उसके लिए कुछ करेगी, उसको डॉक्टर के पास ले गई, उसका प्लास्टर करवाया, उसको खिलाया, उसको पिलाया, उसको सही किया और फिर रास्ते पे छोड़ दिया, तो ये केयर होती है। इसको केयर बोलते हैं, पहले जो था वो सिंपैथी, और जो एंग्जाइटी हमने बताया कि वो सोचते रहता है क्या होगा कैसे होगा। इसमें एक शब्द और जोड़ देते हैं, अफेक्शन। हाँ, याद आया आपको कुछ? पल्सर टीला याद आई? अफेक्शन मतलब स्नेह, स्नेह, स्नेह मई, राइट? स्नेह मतलब मेरा बेबी, बेबी मेरा फ्रेंड, मेरा मित्र, मतलब अपनी भावनाओं को जाहिर करना और एक तरीके से प्रेम दिखाना। लेकिन स्नेह में एक चीज होती है, ये है कि स्नेह में जरूरी नहीं कि केयर हो, स्नेह में जरूरी नहीं कि प्रेम हो, प्रेम बहुत ऊपर की चीज है। तो स्नेह में एक थॉट होता है, फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स के साथ साथ में थॉट होता है। पल्साटीला और फास्फोरस अगर स्नेहमयी हैं तो उसके पीछे थॉट होता है। अगर मुझे इससे पल्साटीला सीखनी है तो मैं इसके लिए स्नेहमयी हो जाऊंगा, जिससे मैं, जिससे तुम मुझे पल्साटीला सिखा सकते, ठीक है ना? फास्फोरस ऐसा ही करेगा, तो उसके पीछे थॉट होता है, अफेक्शन होता है, दे ट्राई टू कम क्लोज टू यू। एक है ना, उसके लिए पल्सर डिला और फास्फोरस का वीडियो देखिए। एक अफेक्शन में क्या होता है ना, एक आपके साथ ना वो एक स्नेह से, स्नेह यूज करके एक बॉन्ड बनाना चाहते हैं, जुड़ाव होता है, जुड़ना चाहते हैं आपके साथ। एक मेरी पेशेंट है, वो हमेशा ना जब बात खत्म होती है ना तो हमेशा मुझे पूछेगी, मतलब बाकी के पेशेंट कैसे कि उनकी कंसल्टेशन हो गया तो फिर हम बोलते हैं ओके टेक केयर बाय बाय चलो हो गया, तो ये लेडी जो है ना वो मुझे हमेशा एंड में बोले पूछेगी, मतलब कंसल्टेशन के छोड़ के पूछेगी, बाकी सर सब ठीक है सर, बाकी सब सब अच्छे से चल रहा है, ऐसे एक बार पूछेगी और फिर मैंने बोला हाँ बाकी सब ठीक है, मतलब कंसल्टेशन छोड़ के। हाँ, मेरे को पूछते हैं और बाबू का पेपर कैसा गया, बाबू कौन बाबू? आपका बेटा बोला, अरे उसको देखा है इतना लंबा चौड़ा हो गया, बाबा हो गया, बाबा का वो बाबा हो गया पूरा। बोला सर वो डॉक्टर साहब आपने आपकी बेटी की एज बताई थी, मेरी बेटी को कैसा, कैसी है वो, ठीक है ना, मुझे फोटो जरा उसका दिखाई ना, अपनी बेटी को दिखाना चाहता। दिस इज अफेक्शन, यू ट्राई टू मेक अ बॉन्ड। और एक पेशेंट जैसे उसके घर में कोई अलग चीज़ बनती है खाने की ना, तो लेके आएंगे, सर आपके लिए लेके आए, क्योंकि हमेशा नहीं बनाते, बहुत साल में एक दो बार ही बनते हैं हमारे यहाँ पे खास मौके पे। तो सर मतलब ये ना, ये इसको बोलते हैं अफेक्शन। हाँ, इस मतलब चीज़ को उसमें कितना सच्चा अफेक्शन है कितना झूठा है ये भी समझो। मेरे सामने एक औरत रहती थी, वो रात के 9 बजे चाय लेके आ गई, मैं बोला अरे अभी चाय, बोले नहीं बनाई थी बच गई, मैं बोला आपके लिए, बोले लाओ फिर दो। ये बाबूजी प्रेम में ठीक है यार, नौ बजे चाय नहीं। इसके पीछे का रीजन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पल्सेटिला अगर होगी ना तो वो खास करके डॉक्टर के साथ या जिससे फायदा है फास्फोरस वगैरह उसके साथ ही ऐसे अफेक्शन दिखाएगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दिल से करते हैं, बिल्कुल दिल से करते सामने वाले, तो भी सेंसिटिव अबाउट, तो ये देखो ये किसी के लिए कुछ लेके आना, जैसे उसके घर में अलग तरीके के गुलाब जामुन बने तो डॉक्टर के लिए लेके आना, इसको केयर नहीं बोलते, इसको एक अफेक्शन दिखाना बोलते। तो ये जो बारीकी है ना, ये धीरे 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 हमें डिस्टिंग्विश करने को आना चाहिए। इसलिए हमने ये एग्जांपल देता हूँ, तो कॉल आया वेंसडे मॉर्निंग, हम लोग यूजली रिकॉर्डिंग्स करते हैं, ये सब करते हैं, तो उस दिन क्या हुआ कि एक पेशेंट ने मुझे कॉल किया, वो मेरी पुरानी पेशेंट, एंड शी कॉल्ड मी एंड शी सेड डॉक्टर साहब कैसे हैं आप। अरे यूजुअली क्या होता है, हम पूछते हैं डॉक्टर साहब मुझे तकलीफ है, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, तो मैंने कहा आई एम डूइंग ऑल राइट, बताइए कैसी हैं आप, उसको जरा हाँ ऐसे टर्न करो, हाँ तो आप कैसे हैं, तो मैंने कहा आई एम डूइंग परफेक्टली ओके नो प्रॉब्लम, आप बताइए आप कैसी हैं। तो ये देखिए किस तरीके से मतलब एनर्जी का एक्सचेंज होता है, उस तरफ से जैसे ही कॉल आता है आपके अंदर से क्या निकलता है, है ना, इट्स हाउ टू से रिवर्बरेटिंग, इधर से इधर आ रहा है, इधर से उधर हो रहा है, तो वो टोन से ही कई बार मेडिसिन समझ में आती है, एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन क्लियर होता है। बिल्कुल। मैंने कहा आज थोड़ा सा आई एम फीलिंग अ बिट टायर्ड, अच्छा तो लग रहा है लेकिन हल्का सा मुझे फीवरिश हो, डॉक्टर साहब यू टेक केयर, तो मैंने कहा आप बताइए ना, अगर कुछ हो सकता है तो मैं आपको दवा फोन पर ही बता दूंगा और आप रिसेप्शनिस्ट से पिकअप कर सकते हैं। नहीं नहीं डॉक्टर यू टेक रेस्ट प्लीज, आपको आराम होना बहुत जरूरी है, आप इतने सारे लोगों की केयर करते हैं, अगर आप अच्छे नहीं रहोगे तो फिर दूसरों की केयर कैसे होगी। शाम को आप आओगे तो मैं शाम को आपको दवा ले लूँगी, नहीं तो मैं कल आ जाऊँगी।
दिस इज केयर, दिस इज नॉट अफेक्शन. अफेक्शन तो है ही है बातचीत करने के लिए, लेकिन अफेक्शन के पीछे केयर है. डॉक्टर की केयर कौन करता है? आर्सेनिक फार्सेनिक तो नहीं. डॉक्टर साहब ऐसा है, देखो हम तकलीफ हो रही है, आप रिसेप्शनिस्ट को बोल दो मैं दवा जाके ले लूंगा. आप, नहीं, आप आओ, आपको आज से हमारे नहीं नहीं आप आ जाओ. आप नहीं आओगे तो फिर मैं दवा लेने नहीं आऊंगा, मैं शाम को आऊंगा. जब तक आप नहीं तब तक सो इसी सो मैं आपके घर पे आ जाता हूँ. हाँ घर पे सर, आपका घर का एड्रेस दीजिए, मैं घर पे आ जाता. अरे तो ये छोटे छोटे शब्दों का जो मतलब है हमको डेप्थ में जानना जरूरी है. और ये चीज हमने HHF में सीखी है. एंड आई वाज एस्टाउंडेड व्हेन आई रिमेंबर व्हेन आई अटेंडेड द फर्स्ट सेमिनार. उस सेमिनार में वर्ड्स को इतने डेप्थ में समझना, मुझे तो लगता है कि ब्रिटिश लोग भी नहीं समझते होंगे. अरे इतने डेप्थ में गुप्ता सर, मोहंती सर और राव सर समझते थे उसको. उन्होंने इस तरीके से समझा, आई वाज अस्टाउंडेड, वाओ अमेजिंग, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ रेमेडी इन डेप्थ. तो एक एक वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है. एक वर्ड बाकी रह गया है जो इनका, हाँ, प्रेम. प्रेम अभी प्रेम ऐसी चीज है ना, इन सारी चीजों में आपको भाई कहीं ना कहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ स्वार्थ मिल रहा है, कुछ ना कुछ कारण मिल रहा है. लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज है जिसमें कोई भी एक ऐसा इमोशन है, ऐसा स्ट्रॉन्ग इमोशन है जिसके ऊपर पूरी सृष्टि चलेगी. नेचर लव्स अस, है ना. रिस्पांस में कुछ आपसे नहीं मांगती है, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, कुछ एक्सपेक्ट, नो एक्सपेक्टेशंस एट ऑल. केयर भी है उसमें, अफेक्शन भी है उसमें, आपकी भलाई भी है उसमें. उसका वो जो आदमी आपको प्रेम कर रहा होता है वो सेल्फ न्यौछावर भी हो जाता है, वो आपके लिए इतना प्रेम करता है. अभी जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मदर का. मदर, मदर इज द बेस्ट एग्जाम्पल इन नेचर दैट डिफाइंस व्हाट इज लव. बच्चा शैतानी करेगा, लात मारेगा, छोटा बच्चा मुंह पे लग गया, क्या आँख पे मार दिया, कुछ नहीं. वो आराम से उसको, उसकी पॉटी वॉश करेगी, उसको तैयार करेगी, सब कुछ चल रहा है, रात रात जगेगी, सब कुछ चलता रहेगा. ये प्रेम है, करेक्ट ना. अभी आपको समझ में आ गया सारे सारे छोटे छोटे शब्द. अब आप थोड़े से अगर सेंसिटिव होंगे तो इमीडिएटली आपको समझ में आ जाएगा कि ये पेशेंट कितना जेन्युइन है. ये अफेक्शन दिखा रहा है, केयर दिखा रहा है, सिंपैथी दिखा रहा है. सिंपैथी, अरे डॉक्टर साहब बड़े टायर्ड लग रहे हैं आज, आप लग रहा यार कल रात को नींद नहीं हुई है. अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. अच्छा डॉक्टर साहब मेरी तकलीफ ऐसी है, आया समझ में. सिंपैथी दिखाई, फिर उसके बाद पहले तुम दवा दो मुझे. सो दैट इज सिंपैथी. उसने फील किया, अरे डॉक्टर साहब यू आर लुकिंग टू टायर्ड टुडे, ऐसे चालू होता है. सो दैट इज सिंपैथेटिक. यू कैन इमीडिएटली टेक दैट रूब्रिक सिंपैथेटिक. तो आते हैं कॉकलस पे. कॉकलस केयर्स, केयर्स फॉर अदर्स, केयर्स फॉर रिलेटिव्स, है ना. केयर मतलब जितनी डायमेंशन में अपना, जितना IPR है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हर जगह केयर. और केयर फॉर लव्ड वन, लव्ड वन. अभी केयर फॉर लव्ड वंस, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज. उस केयर कर करके उसको तकलीफ भी हो जाए, एलिमेंट भी आ जाए. केयर्स फॉर अदर्स, अभी अदर्स कौन है, मतलब जो कि उसके साथ रिलेटेड नहीं है, नहीं है, जो उनके लिए भी केयर है. जो रिलेटेड है उनके लिए केयर है, और जो रिलेटेड नहीं है उनके लिए भी केयर है, डॉक्टर के लिए भी केयर है. और जो लव्ड वन है उसके लिए तो कितनी होगी फिर, सवाल ही नहीं. तो ये कॉकुलस की केयर इन सब रूब्रिक्स में आपको मिलेगी. और यही केयर करते करते जब कॉकुलस थक जाए, कॉकुलस में ये बात होती है कि कॉकुलस कैलकुलेटिंग एबिलिटी है. अच्छा, बिफोर वी टॉक अबाउट दिस कैलकुलेटिंग एबिलिटी, हर एक दवा में एक स्ट्रांग इमोशन होता है. बिल्कुल ठीक है ना. जैसे पल्साटिला में अफेक्शन है, इसमें केयर है, फास्फोरस में सिंपैथी है. तो हम सबके अंदर ये सारे गुण हैं. बिल्कुल सबके अंदर हैं. लेकिन वो जब गुण अपनी मर्यादाएं क्रॉस करता है, केयर से ओवर केयर हो जाता है, तब पैथोलॉजी आती है, तब पैथोलॉजी डेवलप होती है. और ऐसा ही कॉकुलस में होता है कि कॉकुलस इतनी केयर करता है, इतनी केयर करता है. उसका लीडिंग रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज ओवर लव्ड वन. केयर्स एंड वरीज में भी है लव्ड वन ओवर. उसके वजह से उसको दिक्कत होती है, इतनी केयर दिन रात,
मतलब सुबह बच्चे ने क्या खाया, दोपहर को टिफिन में क्या बनाना है, अरे उसकी वजन बढ़ नहीं रहे, अरे उसको एक साल पहले उसको मलेरिया हो गया था, तो अभी भी उसको एक साल हो गया, अरे उसके बाद वो 10 जगह घूम के आ गया, नॉर्थ जाके आया, साउथ जाके आया, लेकिन फिर भी ऑडोमास लगा है। नहीं 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 अभी भी ना वो ध्यान रखना है, खिड़की बराबर टाइम पे बंद करनी है, क्योंकि उसको हेल्थ को लेकर तकलीफ ना हो। हेल्थ को मतलब केयर कहाँ पे होती है? केयर है ना, देखो एंग्जाइटी जैसे मैंने बताया, सल्फर को कैसे लगता है ना, बच्चा ठीक से घर पे आएगा कि नहीं, क्या होगा, ये उधर एंग्जाइटी, यहाँ पे क्या होता है ना, उसको कॉकुलस को लगता है कि वो बच्चे को प्रॉपर नरिशमेंट मिल रही है कि नहीं, खाना पीना मिल रहा है कि नहीं, उसकी हेल्थ तो नहीं कहीं अफेक्ट हो रही है, ये बहुत टेंशन होता है कॉकुलस को। और इसकी ना जैसे आलोक ने बताया, ये मॉर्बिड लेवल पे होता है, हद पार कर देता है कॉकुलस। एक केस कॉकुलस का ना क्या हुआ था, जैसे आलोक ने बताया, हमारे गुप्ता सर होते तो उसको फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में ही पकड़ लेते, मैंने ही पकड़ पाया था, इनफैक्ट शायद दो प्रिस्क्रिप्शन हुए थे और मैंने कोई दो अलग दवाइयाँ दी थी, लेकिन थर्ड टाइम क्या हुआ ना, उसने क्या किया कि उस लेडी की हालत एकदम खराब हो गई, बहुत वीकनेस, चक्कर, चल नहीं पा रही है, बैठ उठ नहीं पा रही जगह से, ऐसी हालत में वो आ गई, और फिर बात भी ऐसे कर रही है सर, लेकिन है ना चिड़चिड़ नहीं है, कुछ नहीं है, गुस्सा नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे मैंने जलसी में ऐसा पकड़ा हुआ था ना, उसने ऐसी रेस्टलेसनेस वगैरह नहीं है, आराम से बैठी है, बता रही है। तो मैंने, तो उसने बोला कि सर मैं आई थी सर, कल आने वाले थे हम लोग, तो फिर मैंने बोला क्यों नहीं आया फिर आप, तो मेरे असिस्टेंट ने बोला हाँ सर उन्होंने कल कॉल किया था, मैंने उनको बोला था आओ करके शाम को, तो बोला क्यों नहीं आए, मैं बोला सर मैं आपके असिस्टेंट ने बताया कि आप सुबह से हो शाम तक, और शाम तक क्लिनिक बंद होने का टाइम हो गया था, और सर आप सुबह से शाम तक बैठते हो, आप भी कुछ खाना वाना नहीं खाया था, तो मैंने मेरे हस्बैंड को भी बताया कि सर शाम तक अभी बैठे हैं, थक गए होंगे, और उसमें हम लोग अभी लास्ट मोमेंट पे कॉल कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट भी नहीं लिया, तो सर अच्छा नहीं लगा आने को, तो इसलिए मैंने सोचा सर जाने दो मैं कल दिखा देती हूँ, और वो आज दिखा रहे उसकी हालत देखो। मैंने बोला अरे कल आ जाते शाम को, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कौन है जो इतनी हालत खराब कर दी उसने, एक दिन आगे बढ़ गया तो, और दूसरे दिन आई वो भी उस दिन उसने कॉल किया, क्योंकि उसको पता था कि जनरली हम लोग एडवांस अपॉइंटमेंट लेके ही देखते पेशेंट को, तो उसने सोचा कि ना ये लास्ट मोमेंट में कॉल करना, वो भी शाम को जब पूरे दिन का ओपीडी खत्म हो रहा है, उस वक्त जाऊंगी तो डॉक्टर को तकलीफ होगी, डॉक्टर को तकलीफ होगी। अभी एक चीज ऐड करना चाहता हूं, और ये अदर्स हैं, केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, एक बुक है द केस बिफोर केस टेकिंग, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये अपने कलीग्स पूछते हैं अरे यार इतना हेल्दी मेंटल रूब्रिक कैसे बन सकते हैं, पेशेंट बोल रहा होता है फोन पर अपॉइंटमेंट के पहले भी वो दवा वही बोल रहा होता है। देखो ना जब आई ना उससे पहले ये चीजें हो चुकी है ना, तो उसने केस टेकिंग की बात ही नहीं है, उसने तो ये चीजें जब बताई है, तब बुक लीजिए द केस बिफोर केस टेकिंग, हमारे मित्र डॉक्टर तुमने पढ़ा है तो केयरफुल रूब्रिक बन गया राइट ना, और उसका केयरिंग पार्ट देख करके, और ये जो हाउ जो है ना, हाउ ये हाउ देखना है ना, उसके ऊपर आपको प्रिस्क्राइब करना है, जैसे कॉकुलस है ना, ये जैसे एक केयर एक पार्ट, अभी योगेश ने और आलोक ने बताया ना, केयर जो है ना बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है कॉकुलस का, वैसे और एक दूसरा पार्ट होता है कॉकुलस का सबसे बढ़िया, कैलकुलेटिंग एबिलिटी पे तो हम आएंगे ही, लेकिन जो एक्सेप्टेंस होता है ना बीमारी को लेके, सिचुएशन को लेके, ठीक है यार डॉक्टर साहब ने अभी पूरे दिन भर क्लिनिक किया है, ये कैलकुलेट कर रही है देख रही है किस, और ये सब वो खुद सोच रही है कि अरे पूरे दिन भर डॉक्टर साहब देख रहे हैं, और उनको पता नहीं उन्होंने लंच भी किया है कि नहीं किया है, और शाम को इस वक्त जाना और उसको तकलीफ देना, जैसे कॉकुलस क्या सोचता है, अरे बच्चा अरे रात को आएगा लेट हो जाएगा तो उसके लिए खाना तो बना के रखना ही है, लेकिन खाने में उसको पिछली बीमारी के हिसाब से सारी दवा चीज़ें जानी चाहिए, उसकी दवा भी रखनी चाहिए जो अगर वो ले रहा है, अगर हस्बैंड है तो या डैडी है मम्मी है तो उसकी दवा देने की काम जो नर्सिंग का काम है वो कॉकुलस जी जान लगा के करता है। अभी कॉकुलस केयर और एक शब्द और जोड़िए उसमें नर्सिंग, जैसे इसने यूज किया, नर्स क्या करती है, अगर मैं आपको कॉकुलस एक मिनट में डिफाइन करना है तो आप दिमाग में लाओ नर्स क्या करती है, केयर मतलब नर्सिंग, ये भी समझ लो आप, कैसे करती है, आप एडमिट हुए हॉस्पिटल में, आप नहीं हुए, कोई दूसरा हुआ, काय को आप हो, काय को आप नहीं हो, आप नहीं हो कोई दूसरा एडमिट हुआ रात के टाइम में 9-10 बजे, ठीक है, डॉक्टर ने आके विजिट करके चला गया, डॉक्टर ये दे दो वो दे दो, डॉक्टर नर्स नहीं करता है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, अब वो क्या करेगी, 10 बजे शिविल मेक श्योर प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा, ये दवा ला करके पेशेंट को दिया,
ये सब गोली निकाला, हाथ में दिया, पानी दिया, पिलाया उसको, आईवी लगाया, फिर उसके एक घंटे बाद आकर के ब्लड प्रेशर चेक किया, दो घंटे बाद फिर से ब्लड प्रेशर चेक करेगी आकर के, फिर आकर के टेम्परेचर एक घंटे बाद चेक करेगी। तो इस तरीके से पूरी रात उसका काम ही यही है कि भाई उसको तकिया, उसको चद्दर, उसको पोटी, उसका सुसु, उसको क्या कहते हैं वो स्पंजिंग, उसको पट्टी रखना, ये सब काम करना, ये काम मदर का काम होता है ना। और उसमें सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है कि उसमें उफ कभी नहीं होता, वो करती रहती है, मतलब ये करती रहती है, ये वो चीज़ें कर करके रात को जाग के पट्टी बदलना, उसकी सारी चीज़ें करना, सुबह जल्दी उठना, उसके लिए अच्छे से जो उस बीमारी के लिए सुटेबल खाना है, जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो अवॉइड करके जो सही चीज़ें उस वही खाना बनाना है, वो नाश्ता बनाना है उसको, यही जद्दोजहद में इतनी उलझी रहेगी, उतनी इतना काम करेगी कि ये खुद उसका वेट कम होते जाएगा, खुद बीमार पड़ती जाएगी, खुद चक्कर ना चल, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर। और बहुत बढ़िया चीज़ है, नर्सिंग इन मदर्स करके रूब्रिक है जो डॉक्टर जार ने डाला हुआ है, और दूसरा एक रूब्रिक है नर्सिंग एग्रेवेशन, और जो किसका एडिशन है, बोनिंग हुसैन और जार का एडिशन है। क्या बात, कितने बढ़िया रूब्रिक्स दिए हुए हैं, कंप्लीट रेपर्टरी में ये रूब्रिक्स अच्छे दिए हुए हैं। बोगर साहब ने एक शब्द दिया है, सॉलिसिट्यूड फॉर अदर्स, सॉलिसिट्यूड मतलब क्या बात, एक्सट्रीम केयर एंड कंसर्न अबाउट अदर्स, एक्सट्रीम। अभी मेरे पास एक लड़का था, जस्ट 12th का एग्जाम हुआ था उसका, 12th का एग्जाम हुआ था और रिजल्ट लगा था उसका, रिजल्ट लगा था, और रिजल्ट लगने के बाद में होता ही है ना, अपना 12th का रिजल्ट लगे तो फिर इस कॉलेज में जाओ फॉर्म भरो, उस कॉलेज में जाओ फॉर्म भरो, इधर भरो। तो उसके पापा तो काम में बिजी, तो घर पे ये और उसकी माँ, यही दोनों जन। अभी इसको उस दौरान बुखार आया और उसका एक घुटना इतना सूज गया, इतना सूज गया, और ये पिछले 3 दिन से इधर उधर भाग रहा है, दौड़ रहा है, फॉर्म भर रहा है, इधर का भर रहा है, उधर का भर रहा है। मैं बोला तू 3 दिन आया नहीं, क्यों नहीं आया? बोले सर वो फॉर्म भरना है, अभी वो फॉर्म की आखिरी तारीख है, फटाफट सब कॉलेज में जाके एक एक 10-10 कॉलेज में फॉर्म देना पड़ता है, भरना पड़ता है। बोले तू ये पैर लेके तू कहाँ को जा रहे है? बोला हाँ सर अभी मैं नहीं जाऊँगा, कौन करे? बोले मम्मी को। बोले नहीं मैं मम्मी को नहीं ले गया। बोले तू ही गया अकेला? हाँ मैं ही गया अकेला। बोले तू अकेला गया ऐसा पैर सोच के? बोला हाँ। बोले भाई मम्मी को क्यों नहीं ले गए? नहीं सर मम्मी का अभी उम्र हो गया ना, मम्मी के पैर वेर दर्द कर। अबे तेरा इतना सूज गया है लेकिन इसको पड़ी है कि मम्मी के पैर दर्द करते हैं। उसकी अभी उम्र हो गई है, मैं यंग हूँ सर, थोड़ा सह लूँगा। क्या बात, थोड़ा सह लूँगा, कोई बात नहीं सर, लेकिन अभी मम्मी की एज हो गई है, वो बेचारी कैसी सहेगी, उसको घर के भी काम होते कहाँ। तो मैं इसलिए मम्मी को बोला तू घर पर बैठ, मैं सब जगह जाता हूँ। उसने सब जगह जाके फॉर्म भरे। मैं बोला अबे तू मतलब जिसको पैर इतना सूजा है उसने पहले खुद का पैर का सोचना चाहिए कि मम्मी के पैरों का सोचना चाहिए? इसको वो बोलते वैसे उसने ये किया तो उसको दी कॉकुलस और उसका जो जॉइंट्स का प्रॉब्लम था फैंटास्टिकली सही हो गया। तो मतलब आज उसको मेरे हिसाब से 8-10 साल हो गए, आज भी वो सब फैमिली मेरे पास ही आती है, क्योंकि अगर तभी उसको कॉकुलस नहीं मिलता तो पता नहीं उस जॉइंट पेन्स का आज क्या हो जाता। राइट, एक ऐसा ही पेशेंट, अभी देखिए दवाइयाँ किस तरीके से बोलती हैं। ये केस बिल्कुल शुरुआत में जब मैं SHF में आया था तब का केस है, जो कि मुझे कुछ ये कन्वर्सेशन अगर मेरे ख्याल में अभी होगा तो मुझे 10 सेकंड में दवा समझ में आ जाएगी लेकिन शुरुआत में समझने में आपको थोड़ा सा वक्त लगता है। तो दिस लेडी इज अराउंड 48-49 ईयर्स ओल्ड, 45-46, हाउसवाइफ। तो बातचीत हुई, उसने बोला सर मुझे यहाँ जॉइंट में पेन होता है, यहाँ पेन होता है, सर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, ये रहता है, वो बहुत सारी मल्टीपल कंप्लेंट्स थी उसकी। तो शुरुआत में जब HHF में आए थे तो हमको भी प्रश्न करना नहीं आता था। तो एक बेसिक जो प्रश्न रहता है जो हम लोग अक्सर करते हैं कि थोड़ा सा आप अपने स्वभाव के बारे में बताइए। तो मुझे मिला तो मैंने उनको पूछा कि आपके स्वभाव में स्वभाव के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हमें होम्योपैथी में जानना जरूरी था। हाँ डॉक्टर साहब ऐसा है ना कि मैं सुबह के टाइम में उठती हूँ, सुबह 4-4:30 बजे, क्योंकि जो मेरी मदर इन लॉ है उनकी उम्र है 79 ईयर्स, और जो फादर इन लॉ है उनकी तकरीबन 85 ईयर्स ओल्ड है। तो सुबह के टाइम में उनको पॉटी करवाना, उनका चेक करना, डायपर वगैरह चेक करना,
वो सब क्लीन करते हैं, फिर उसके बाद में उनके उनके लिए नाश्ता बनाना, ये करना वो करना, फिर उसके बाद में जो उनकी दवाइयाँ रहती हैं वो मैं दे देती हूँ उनको, और उसके बाद में फिर बेटे के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है वो 8:30 बजे, तो 8:30 बजे उसका नाश्ता, फिर 9:30 बजे ये जाते हैं ऑफिस तो उनका नाश्ता वगैरह, फिर उसके बाद में एक नर्स आती है तो नर्स के साथ में मैं भी जो मम्मी पापा हैं जो मेडिकल जो जितना भी इशू रहता है ब्लड प्रेशर चेक करना वगैरह वो साथ में मैं भी रहती हूँ, मैं भी उसमें हाथ बटाती हूँ, फिर वही 12:30 बज जाता है, 12:30 बजे फिर वो लंच का टाइम हो जाता है, हस्बैंड घर आते हैं तो उनको खाना देते हैं, 2 बजे तक बच्चा भी आ जाता है तो फिर उसके लिए लंच बनाती हूँ गर्म करके उसको देती हूँ, और मम्मी पापा को भी मैं ही खाना खिलाती हूँ क्योंकि उनको दिक्कत होता है काफ़ी, और बीच बीच में टॉयलेट ले जाना ये सब तो चलता ही रहता है, शाम हो जाती है शाम के टाइम में उनको चाय देना, और फिर उसके बाद में ये भी घर आ जाते हैं 7:30 तक उनको चाय देना, फिर उसके बाद में डिनर की तैयारी करना, इस तरीके से करते करते 10:30-11 बज जाता है, फिर सबको सुला करके मैं भी सो जाती हूँ, और मैं ये पक्का ये वो रहता है कि अगर मम्मी पापा ने अगर बेल बजाई या थोड़ा सा बुलाया तो बस कर क्या चल रहा है तेरा टेप के माफी मेरे मन में ये चल रहा है, लेकिन वो दवा बोल रही है, दवा बोल मतलब ये अपनी बीमारी के बारे में भूल के ये सारी चीजें बताती रहती है। उसको बोला कि कृपया आप अपने स्वभाव के बारे में, ये स्वभाव है, स्वभाव ही तो बोल रही है एक्चुअली, वो अगर आप परसीव करो तो स्वभाव रूब्रिक है टॉकिंग टॉक्स ऑफ नथिंग बट अबाउट हर केयर नथिंग बट अबाउट क्या ऑब्जर्वेशन, अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताती, वही चीजें बताएगी, जैसे बहुत सारे कॉकलेस है ना पेशेंट, जैसे योगेश ने क्या बताया, वो बच्चे ने खुद का ध्यान नहीं दिया, तो एक केंट साहब का बहुत बढ़िया रूबरिक है जो हमने सेपिया में ऑलरेडी बताया हुआ है, इंडिफरेंस लाइज विद आईज क्लोज्ड, लेकिन सेपिया क्या करती है ना, सेपिया सबके लिए डांस करने में जुड़ी होती है, सबके लिए काम करना है, देखो वहां पे ना सेपिया में क्या होता है ना, सेपिया में सबको सबके लिए काम करना है, उसके उसका वजूद संभालने के लिए, मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ कर सबके लिए मैं ही हूँ, मैं सबका सबके लिए देखभाल, सबकी देखभाल हूँ, मुझे भी कंसीडर करो, मुझे कंसीडर करो, मेरा भी कुछ वजूद है, इसलिए वो ध्यान नहीं देती अपने ऊपर अपनी ट्रीटमेंट, तो बहुत बार कॉकुलस भी ऐसे आते हैं मेरे पास, कॉकुलस के पेशेंट कैसे हैं मालूम है, जैसे वो लेके आते हस्बैंड को, बच्चे को लेके आते, खुद की ट्रीटमेंट नहीं लेते, और फिर जब वो लोग ठीक हो जाते सब सेटल हो जाता है ना, तब वो बताते डॉक्टर साहब मुझे भी ना कुछ साल से ना ऐसे, अरे आप पिछले 3 महीने से आ रहे हैं आप इनको लेके, आपने खुद का नहीं बताया, बोला सर कैसा है ना, मतलब मैं चलता है मेरा, मतलब काम चल रहा है, ये सब लोग ठीक रहेंगे ना, हाँ तो मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होता है, हाँ। तो फिर उसको बताया, हाँ चलो बताओ फिर आपको क्या इस तकलीफ को लेके क्या चिंता है, तो बोलते सर चिंता क्या है ना मालूम है सर, सर वो बड़ा बेटा बाहर बैठा, देखो ना बड़ा बेटा बैठा ना, सर आप मुझे एक बात बताओ, वो जो ऐसे काले काले दाने आते हैं ना बॉडी पे ऐसे, उसमें होम्योपैथी का ट्रीटमेंट होता है, तो मैंने बोला कैसे काले काले ने उसमें तकलीफ क्या है, वो इचिंग होती है सर, बहुत इचिंग होती है, रात भर खुजाना पड़ता है, मैंने बोला कहाँ है दिखाओ, नहीं नहीं सर मुझे नहीं, वो बड़ा बेटा बैठे ना बाहर, बड़ा बेटा मैंने उसको अरे मैंने बोला अच्छा आपको नहीं है, मैंने बोला नहीं नहीं मुझे नहीं सर, मुझे कैसा ना सर, मुझे वो पित्त का प्रॉब्लम है और चक्कर वक्कर होता है, लेकिन मैं मेरा कुछ इतना ही सर, तो फिर वो होता है सर होम्योपैथी में, मतलब मैं सोच रही थी ना आपने दूसरे बेटे का ठीक किया, तो मैं सोच रही थी ना उसका करूँ, तो मैंने बोला हाँ उसका होता है, मैं उसको सर बुलाओ, उसको बुलाओ सर, बाहर ही बैठा है सर, बाहर ही है, गाड़ी लेके आया ना बाहर ही बैठा, नहीं नहीं पहले आपको अभी आपको ट्रीटमेंट लेनी है, हाँ सर मुझे भी दे दो, सर मुझे दे दो, तो आपका पहले बताओ ना, बोला हाँ सर बताओ बताओ, तो आपको चिंता क्या है, मैंने सर आपको पता है ना वो मेरे वो दूसरे बेटे का वो उसको तकलीफ हो गया था, बीमारी हो गया था, एक्सरे निकाला, डॉक्टर ने बोला कि एडमिट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा वो सर, और तो एक बेटा बीमार है उसकी उसको केयर करने में ये बीमार पड़ गई, और जब ट्रीटमेंट के लिए आ रही है तो अपना ध्यान ही नहीं है, इंडिफरेंस लाइज विद आईज क्लोज्ड, और दूसरे बच्चे का पूछ रही है, जैसे आलोक के केस में वो सबकी बता रही है अपनी बात बता ही नहीं रही है, तो ये आपको कॉकलस में बहुत बार मिलेगा। कॉकलस का एक और रूब्रिक है जो इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है, दैट इज कंटेंट, अपनी तकलीफों को लेकर के बहुत ज्यादा कंटेंट का मतलब यही है, इसके पहले का जो वीडियो है वन ऑफ द वीडियोस, इसमें ओपीएम है, हम लोगों ने एक्सप्लेन किया बढ़िया से, वो देखिएगा, नो कंप्लेंट। उधर आलोक सर ने बहुत बढ़िया सा डायलॉग मारा है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, पर्याप्त है, ठीक है ना, तो अपनी स्टेट को लेकर के वो कंटेंट है, लेकिन दूसरों के केयर में वो बीमार पड़ी जा रही है ना, तो अक्सर जो हम लोग बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, जो एनर्जी लेकर के कॉकलस आता है, एक शांत एनर्जी होती है, शांत वो
आपको उससे एक सहानुभूति होगी, एक अच्छी सी फीलिंग होगी आपको उससे, एक अफेक्शनेट फीलिंग होती है। यस, क्योंकि अरे यार ये लेडी दूसरों के लिए मुझको फोन पे बात कर रही है कि नहीं सर आप रेस्ट करो, मैं आपको बाद में दिखा लूंगा, तो ऐसे आदमी से आप कैसे बात करोगे। तीसरी एनर्जी आती है रेवरेंस वाली, रेवरेंस, बहुत रेवरेंस, आपको पूरा सादर, क्या कहते हैं, आदर के साथ में प्रणाम नहीं, क्या सादर, रिस्पेक्ट होता है, आदर भी होता है, रिस्पेक्ट भी होता है कि नहीं सर कोई बात नहीं, मैं रुक लेती हूँ क्योंकि कंटेंट है, कोई बात नहीं, आप देखो आपको दिक्कत है तो कोई बात नहीं, कल आ जाते, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट। तो ऐसी ये अच्छी दवाओं में आप कह सकते हैं कि अच्छी दवाओं में कॉकलस रखी जाती, हालांकि कॉकलस में एक रूबरिक है विकेट डिस्पोजिशन, नहीं वो एडवांस हो जाएगा, हाँ वो एडवांस हो जाएगा, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे केसेस काफी सारे हैं हम लोगों के पास में, लेकिन हम उनको वेबिनार में ही दिखाना पसंद करते हैं। सो इफ यू वांट टू मास्टर अ रेमेडी, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं, देखो यहाँ पे ना हम कॉमन जो प्रेजेंटेशन है ना, जो आप सिर्फ हमारी बातों से हमारे केसेस को एक्सपीरियंस किए बिना सिर्फ हमारे एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप आपके क्लिनिक में पकड़ सकते हो, ये जो पिक्चर है ना, और वो कॉमन पिक्चर है, क्लासिकल पिक्चर है। जैसे अगर अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पहले केस में जो मैंने जलसेम की केस बताई, वो ऐसे पकड़ के बैठी है, इतनी रेस्टलेस है, कंटेंट कहाँ है, वो नहीं है ना, एक्सेप्टेंस कहाँ है बीमारी का, नहीं है। तो कॉकुलस की पेशेंट अगर उल्टी वरने वाली, कार सिकनेस वाली होगी तो वो कैसी होगी, वो क्या होगा, उसका हस्बैंड आपको बोलेगा सर इसको भी दवा दे दो सर, हमेशा ट्रैवलिंग होता ही नहीं है, उल्टी करते रहती है, तो ये साइड में बैठ के हाँ सर वो तकलीफ सर बहुत सालों से है, तो क्या किया, कुछ नहीं सर, अभी क्या करेंगे ना, अभी इसको उल्टी सर देखो खाने से तकलीफ नहीं है, कुछ भी खाती हूँ मैं, खड्डा खाती हूँ, तीखा खाती हूँ, कुछ भी मुझे तकलीफ ही नहीं है सर उसकी वजह से, तो अगर उसकी वजह से कोई तकलीफ नहीं है तो मैं उसको ठीक कैसे करूँगी। मैंने डॉक्टर से पहले लेती थी, वो सब पेंटाप्रजोल ओमेप्रजोल सब देते थे, डोमपेरिडोन वगैरह देते थे, लेकिन वो पहले लेती थी, उससे भी सर कुछ होता नहीं, फिर भी वॉमिटिंग होती है गाड़ी में, हर बार गाड़ी में जाने से पहले खाओ, तो सर मैंने क्या किया ना, अभी छोड़ दिया, जाने दो जो है सर, अभी क्या हमेशा सर कितने सालों से हो रहा है, तो हस्बैंड बोलता नहीं सर दे दो दवा दे दो इसको, नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, ये रहने दो सर ऐसे चलता रहेगा। मतलब अगर ऐसी वॉमिटिंग की दिक्कत है, ऐसा प्रेजेंटेशन है, क्लिंग नहीं कर रही, क्लिंग में क्या होता है, जिसको क्लिंग करते उसको परेशानी होती है कि अरे छोड़ यार कितना, तो जो जलसी में क्लिंगिंग है, क्लिंग करे तो इसको दिक्कत होगी कि अरे यार ये यहाँ पे कैसा ना, यहाँ पे कंटेंट है, आप अपनी ट्रीटमेंट ले लो, इनडिफरेंस लाइज विद आईज क्लोज, जिसने मान लिया है कि ये उल्टियां तो होती रहती है यार, इसमें क्या कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, जो कर नहीं सकते, जिसको सोल्यूशन नहीं है उसको एक्सेप्ट कर लो। अभी ये एक्सेप्ट जो बार बार बोल रहा है, ये हमारे गुरु जी डॉक्टर सहगल सर, इन्होंने बहुत फैंटास्टिकली हमने उनसे सीखा है, जीनियस है, उन्होंने रूब्रिक अगर ठीक से देखे तो रिकॉग्नाइजिंग एवरीथिंग बट कैनॉट मूव कैटालेप्सी इन, ऐसा रूब्रिक पूरा है। अब इसको उसमें दो ही रेमेडीज है मेरे हिसाब से, एक कॉकुलस है और दूसरी सैंग्विनेरिया है, राइट। तो ये जो रूब्रिक है रिकॉग्नाइजिंग एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज जो कर सकते हैं, इन सब चीजों को रिकॉग्नाइज कर लेना, रिकॉग्नाइज करना मतलब पूरी तरीके से समझ लेना। और ये देखो छोटी छोटी चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने क्यों बोला, वो बोलती है कि सर देखो मुझे खाने से दिक्कत नहीं, मैं सब खाती हूँ, खट्टा खाती हूँ, ये खाती हूँ, जैसे कोई लाके से वगैरह रहेगा ना, वो क्या बोलेगा, सर जब भी मम्मी है ना उसमें ना ये ज्यादा खट्टा बनाती है ना उसको करी को, तब भी तकलीफ होती है, उसके वजह से तकलीफ होती है, इंजुरी बता देगी, इस वजह से इंजुरी होती रहती है मुझे। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे क्या है ना, समझती है वो कि खाने पीने से भी तकलीफ नहीं है, कुछ भी करने से तकलीफ नहीं, हर बार जाना है ट्रैवल करना है तो होने वाला है उल्टी, वॉमिटिंग होने वाला है, अगर होने वाला है तो क्या कर सकते हैं। तो अभी बट कैनॉट मूव, कैनॉट मूव मतलब कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते मतलब सब रिकॉग्नाइज किया किस चीज की वजह से, क्या ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, मैथमेटिकल एबिलिटी है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं इसमें मैथमेटिक्स एबिलिटी, मतलब जैसे अगर बच्चे को अगर दो का पहाड़ा या कैलकुलेशन अगर उसका अच्छा रहता है वहीं पर वो रूब्रिक यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है यूज कर सकते हैं, लेकिन इन रूब्रिक्स को हमें इन डेप्थ समझना है, और जैसे हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं कि वो रूब्रिक की अंडरस्टैंडिंग दैट शुड बी सिंक्रोनाइज्ड विद अदर रूब्रिक्स, पूरी जो ग्रैंड रेमेडी का जो पिक्चर है उसमें उस रूब्रिक की अंडरस्टैंडिंग फिट होनी चाहिए, और सेकेंड थिंग क्लिनिक में यूटिलाइज हो करके सक्सेसफुल होना चाहिए, तभी उस रूब्रिक की मेटाफोरिक अंडरस्टैंडिंग वैलिड है, नहीं तो नहीं। नहीं और
कोई भी एक दो चीज़ें आपको जब रूब्रिक्स दिखते हैं कि अरे सर यहाँ पे ना हमको फ्रिवलस दिख रहा है, तो ये मुझे तो सर ये लैकेसी से लग रहा है, फ्रिवलस पे आपने स्टैम्प मार दिया, ऐसे नहीं करना है आपको। हर आयाम से मतलब हर डायमेंशन से देखना है। जैसे कॉकुलस है ना, मैंने बताया उसका हाउ, जैसे जलसीमियम का हाउ कैसा है, कंट्रोल पकड़ के रखना है, यहाँ पे कंटेंट है, रिलैक्स है, बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स है, आराम से बैठी है, थोड़ी सी स्माइल है, खुशी है, रिस्पेक्ट का एक्सप्रेशन है चेहरे पे, तो ये हाउ मैच हो रहा है। फिर वो वर्ड बताएगी आपको कि क्या क्या बीमारी है, कैसी है, तो उसमें रिकग्निशन दिखेगा आपको, वो कैसे समझ के ले रही है चीज़ों को, अंडरस्टैंड कर रही है, कैलकुलेट कर रही है, और फिर उसका उसके ऊपर अडाप्टेशन क्या है कि उसको एक्सेप्ट करना, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते तो उसको एक्सेप्ट करो, चलो उसके साथ चलो। वाई क्या होता है इसमें, जो हमने शुरुआत में बताया, नर्सिंग केयर की मतलब, जब वो पहले ठीक थी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, जब उसके हस्बैंड को पैरालिसिस हुआ उसके बाद उसने ही भागदौड़ की, इधर लेके गई उधर लेके गई, इस हॉस्पिटल इस डॉक्टर के पास, आयुर्वेदा भी चालू किया क्योंकि शायद उनको वापस पावर आ जाए। और जब से वो बीमार है ना, उसके बाद इसने भागदौड़ कर करके अगले कुछ महीनों में ये बीमार हो गई, इसकी हालत ऐसे होगी। राइट, तो ये आपको ये वाई है केस का वाई है। तो ये रिकॉग्नाइजेस एवरीथिंग बट कैनॉट मूव कैटालेप्सी इन, इस रूब्रिक को सहगल साहब ने छोटा करके रिकॉग्नाइजेस द रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट, कि उसे एक्सेप्ट कर लेना क्योंकि ये कंटेंट है इसलिए एक्सेप्ट करता है। जो डिसकंटेंटेड है, अरे नहीं यार ऐसे ऐसे यार नहीं यार, अरे मान जा नहीं होने वाला, सब देख लिया, ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है वैसे हो सकता है नहीं हो सकता है, ठीक है कि अभी मैं गांव में रहती हूँ, ये स्किन का प्रॉब्लम था मुझे, वहाँ पर जितने डॉक्टर थे उस सब डॉक्टरों को दिखा दिया, वहाँ पर का गांव का सबसे बड़ा डॉक्टर उसको भी दिखा दिया, वो बोला नहीं ये प्रॉब्लम है, इसको बायोप्सी वायोप्सी करके देखना पड़ेगा, इसको आपको शहर में जाना पड़ेगा। तो उसने बोला कि भैया ठीक है, इसको शहर में जाके ही ट्रीटमेंट हो सकता है, तो छोड़ दिया, बोला ठीक है खुजली आती है खुजा लो। अरे खुजली आती है खुजा लो, आर्सेनिक वाला तो बवाल कर देगा, पूरा गांव सर पे उठा लेगा। ये बोलते ठीक है अभी क्या खुजा लेंगे, चार महीना तो अभी जाने का इंतजाम नहीं है जाने का, जब जाएंगे तब देखेंगे, आप बवाल करके मतलब क्या, एक्सेप्ट कर लिए। तो अभी जैसे मेरे वाले केस में था, तो ऐसे बातचीत चलती रही, वो बोलती रही कि ऐसा करती हूँ वैसा करती हूँ, पापा का ऐसा करती हूँ मम्मी का ऐसा करती हूँ, 5-10 मिनट तक चलता रहा। उसके बाद मैंने पूछा कि आप इसका मतलब नर्स है उनकी मैंने थोड़ा सा निकल में बोला, हाँ सर हूँ तो तो मैंने कहा कि फिर आपकी कुछ मिशन वगैरह नहीं थी, शादी के बाद मैं ये करूँगी वो करूँगी, आपका तो टाइम है ही नहीं, पूरे 24 घंटे में मम्मी पापा आपका हस्बैंड और बच्चे भरे, आपका टाइम कहाँ है इसमें तो बोली सर ऐसा है ना कि देखिए हस्बैंड काम पर जाते हैं, बच्चा अपने स्कूल में जाता है, बच्चा तो केयर करेगा नहीं, बची मैं ही कर सकती हूँ ना ये सब, हाउसवाइफ का हाउसवाइफ हूँ मैं, हालांकि मेरे मिशन थी काम करने की, मैंने काम किया भी था शुरुआत में, लेकिन शादी के बाद जैसे ही हस्बैंड मम्मी पापा को यहाँ पर लाए, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन हो गए थे, तो ऑब्वियस है, तो जैसे वो आए तो फिर ये सारी चीज़ें मैंने चालू, क्योंकि मैंने जॉब भी करके देखा, मैंने कोशिश करी कि पहले जॉब कर लेते हैं, शाम के टाइम में दिन के टाइम में किसी नर्स को रख लेंगे, लेकिन सर वो नर्स से उतना हो नहीं पाता ना, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, फिर मैंने जॉब छोड़ दिया क्योंकि वही पॉसिबल था, फिर जॉब छोड़ा, फिर उसके बाद में मैंने मम्मी पापा की केयर करना चालू किया, और तो सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए, हस्बैंड से नहीं हो सकता, बच्चे से नहीं हो सकता, जॉब पर जाऊंगी तब जो भी थोड़ा मोड़ा केयर होगा वो पूरी तरीके से अच्छे से नहीं हो सकता, क्योंकि केयर जो करी जाती है वो दिल से करी जाती है, केयर में खाना पूर्ति नहीं होती है, इसीलिए इसने जॉब को छोड़ दिया और आ करके सारी चीज़ें चलने, रिकॉग्नाइजेस द रियलिटी, रियलिटी वास्तविकता क्या है कि ना हस्बैंड से हो सकता है, ना नर्स से अच्छे से होता है, ना बच्चे से हो सकता है, बस्ती हूँ मैं, एक्सेप्ट ये कर लो कि भाई आपको ही नर्स के जैसे मम्मी पापा की सेवा करनी है तभी अच्छे से काम हो सकता है, एक्सेप्ट कर लो और करो। तो ये कॉकुलस की कंटेंटनेस दिखाता है और इसी वजह से ये सब चीज़ें जुड़ के आती है। आप लोगों में कई लोग बोलेंगे सर सेपिया फिर ऐसे ही तो होती है करती है, तो सेपिया और कॉकुलस काफ़ी नज़दीक आती है, लेकिन सेपिया में याद रखो एक पुअरनेस होता है कि मुझे ये लोग ग्रांटेड नहीं पकड़ते, मुझे उतना वजूद नहीं है, और उस वजूद को प्राप्त करने के लिए या साबित करने के लिए इसकी छटपटाहट ही उसका काम है,
कि मैं भी हूँ, मैं भी कुछ कर रही हूँ, मैं भी कुछ काम की हूँ, ये दिखाने के लिए कॉक्यूलस की ये नहीं है। कॉक्यूलस को वाकई में लगता है कि अरे कौन करेगा यार, वो माताजी पिताजी उनको तो पॉटी करने तक का दिक्कत हो रही है, कौन करेगा, वो नर्स भी बराबर से करती नहीं, ठीक से साफ करती नहीं, प्रॉब्लम हो जाती, मैं करूँगी। तो सीपीआ की केयर में कारण है एक अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसकी जद्दोजहद है कि अगर मैं नहीं करूँगी तो एक रूब्रिक है उसका जो कि सीपीआ का वीडियो देखेंगे तो Forsaken by husband, children and families, loved ones. तो अगर मैं नहीं करूंगी तो उनसे मुझे जो है प्रेम नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा, वो मेरी केयर नहीं करेंगे, मेरे बारे में कंसर्न खत्म हो जाएगा। तो वो इसलिए करती रहती है। कॉकुलस का जो केयर है दैट इज जेन्युइन, जिसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, आप समझ रहे ना, इसीलिए कॉकुलस हमेशा 200% रहती है। अभी सीपीआर से भी पास एक दवा है कार्सिनोसिन, कॉकुलस कार्सिनोसिन गो हैंड इन हैंड। पहले सेपिया से और एक चीज़ है ना, डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं मालूम है आपको, कि सपोज उसकी मदर बीमार है, पेशेंट की मदर बीमार है और एक रूम में उसका रखा है और वहाँ पे वो बेड रिडन है, सुसु पॉटी बेड पे हो रही है, ये जो कॉकुलस पेशेंट है या फिर जो भी पेशेंट है वो उसका सब कुछ कर रही है, तो ये कॉकुलस अगर है ना तो ये क्या बोलती है मालूम है, कोई नहीं उधर जाएगा उस रूम में, रहने दो, बीमार पेशेंट है तो स्मेल तो आएगी, गंदा तो होगा ना, सब इधर उधर बिखरा रहेगा ना, तो वो रूम बिखरी रहेगी, सिर्फ उस पेशेंट के लिए जो जरूरी है ना वो चीज़ होगी, बाकी का ये पॉट इधर गिरा है, ये यहाँ पे कुछ बैंडेज गिरी हुई है, वहाँ पे कुछ दवाइयाँ गिरी है, उसको लेना देना नहीं है, ये बोलेगी और कॉकुलस उसी की केयर करेगी, जो बीमार है जिसको ज़रूरत है ना उसी की, आप लोग देखो इस मुझे इसका देखना है तो प्लीज़ मैं इसकी सारी चीज़ें देख रही हूँ ना, तो आप लोग थोड़ा करो, तुमको हेल्प करनी पड़ेगी, थोड़ा खाना बनाओ, ये करो वो करो, और नहीं ये रूम साफ मत करो, उधर करो। सेपिया का वैसे नहीं, सेपिया क्या करेगी, सेपिया इसकी इसको तो हेल्प कर सकती है, लेकिन इसको सेपिया को क्या है ना, सुबह का खाना ठीक से बनना चाहिए, किचन में जगह पे होनी चाहिए, साफ सफाई क्लीनलीनेस होना चाहिए, ये रूम भी क्लीन होनी चाहिए, सारी चीज़ों को क्लीन करना, सबके लिए काम करना, मतलब उसको काम करने को आना चाहिए, तो उसको सिर्फ डोमेस्टिक जो काम होता है ना सुबह को उसका फिक्र है, डोमेस्टिक काम की फिक्र है, घर का जो काम है ना रोज का, नाश्ता बनाना, साफ सफाई करना, बर्तन करना, ये सारी चीजों का कंसर्न सेपिया को होता है। कॉकुलस को क्या होता है, ये बीमार है ना, इसकी हेल्थ को लेके, हेल्थ को लेके ध्यान देना है। अभी यहाँ पे वन मोर अमेजिंग थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू सो दैट यू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ एचएचएफ मेथडोलॉजी एंड दैट इज मोहंती सर ने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का डोमेस्टिक क्या होता है आप सोचिए ना, पेट्स होते हैं ना अपने डोमेस्टिक, जैसे बफेलो हुआ, डोमेस्टिक काउ हुई, दे आर डोमेस्टिकेटेड ना, पालतू, पेट तो पालतू होता है, डोमेस्टिक का हिंदी में मतलब क्या होता है देखो जरा, जो भी हो मतलब समझिए, डोमेस्टिक में क्या होता है कि जब आप भैंस की केयर करते हैं, घरेलू लिखा है यहाँ पे, घरेलू है ठीक है, घरेलू, जब आप भैंस की केयर करते हैं, गाय की केयर करते हैं, तब वो आपका दूध, तब वो आपको दूध देती है, तो गिव एंड टेक पॉलिसी है। तो सीपीआर जो है डोमेस्टिक अफेयर्स, उसके गिव एंड टेक पॉलिसी क्या है, केयर करो और उनका कंसर्न लो, प्यार लो, उनकी केयर लो, ठीक है ना, तो ये ऐसे सर्किल चलता रहता है। वही सीपीआर की जद्दोजहद बताई हम लोगों ने ना, एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए वो बच्चे की केयर करेगी, घर के काम करेगी, हस्बैंड के लिए सब कुछ करती रहेगी, करती रहेगी, क्योंकि वो लोग उसको माने कि हाँ यार तुम करती हो यार, तुम भी हो, क्योंकि सीपीआर की जो पुअर जो टेंडेंसी होती है वो जन्मजात होती है। हाँ। ये सीपीआर के वीडियोस में आप देख सकते हैं। अभी अभी कार्सिनोसिन के ऊपर हम लोग वापस आते हैं, एक एक एक, एक हाँ। प्रेजेंटेशन और आपको क्लियरली समझ में आ जाइए, तो आपको फाइंड आउट कैसे करना है कि ये कॉकुलस है सेपिया है, तो उसको कंसर्न पूछो उसका। तो मेरे पास एक कॉकुलस पेशेंट है ना, अपनी माँ के ट्रीटमेंट के लिए आती थी और उसकी माँ को इम्प्रूवमेंट हुई, जब उसकी माँ को इम्प्रूवमेंट चालू हो गया तो हमेशा आके ना माँ के ऐसे परेशान होते, सर आई डोंट नो शी इज नाउ शी हैज स्टार्टेड पासिंग यूरिन, लेकिन सर उसमें ना स्मेल आता है और उसको ना सर एनर्जी जो है ना सर और चाहिए, सर उसको एनर्जी और मिलनी चाहिए, और इसकी खुद की एनर्जी नहीं है, ये ऐसे थपके बात कर रही है, सर ये ऐसे ना सर उसको थोड़ा सा ना सर आप उसके ना सर थोड़ा इम्यूनिटी का जो होता है ना सर आप ऐड कर सको, अगर उसकी थोड़ी एनर्जी आ जाए सर वो बेड पे से उतर के थोड़ा चल पाए, अगर मदर के लिए बोल रही है, और ये खुद ऐसी होगी, फिर जब मदर को थोड़ा अच्छा लगा ना तब इसने ना अपने लिए ट्रीटमेंट पूछा खुद के लिए, लेकिन उस वक्त भी खुद की बात नहीं करती थी, मदर की करती थी, और इस चक्कर में उसके हस्बैंड भी साथ में थे ना, इसका कुछ भी ध्यान नहीं था हस्बैंड की तरफ ना ही घर के, तो हस्बैंड होता है सर इसका कुछ करो सर, एक्चुअली सर उसकी मदर है ना सर शी इज 90+ सर,
शी इज 90+ ऑब्वियसली शी विल बी बेड रिडन शी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग बट दिस लेडी शी इज अननेसेसरली गेटिंग वरीड सर वो ठीक है सर इतनी जैसे बता रही ना उतनी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये सर दिन भर उसकी यूरिन बैग में चेक करती रहती है कितना यूरिन आया उसकी यूरिन बैग लाइट के अगेंस्ट देखेगी उसमें क्या आ रहा है प्रोटीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है लेकिन उसको ना घर की बाकी चिंता नहीं है जो सेपिया को क्या होगा ना पूरे घर की चिंता होती है डोमेस्टिक चीजों की चिंता होती है कि बच्चे का टिफिन टाइम पे बना कि नहीं मैं उसके कपड़े धुले हुए हैं कि नहीं कॉकुलस जो बीमार है ना उसी में इंग्रेस हो जाती है और फिर उसी के वजह से एग्जॉस्ट हो जाती है सही है ये चीज है अभी कार्सिनोसिन का सिंपल फंडा है कार्सिनोसिन कॉकुलस लगभग सिमिलर एनर्जी लेकर के आपके पास में आते कार्सिनोसिन का जब भी आप केस टेकिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक डोमिनेशन दिखेगा फर्स्ट चीज इट कुड बी ऑफ हस्बैंड मतलब पेशेंट डोमिनेटेड है पेशेंट डोमिनेटेड है फादर इन लॉ का डोमिनेशन हो सकता है मदर इन लॉ का डोमिनेशन हो सकता है उसके फादर का भी डोमिनेशन हो सकता है और जिससे वो डोमिनेट होता है कार्सिनोसिन उसी को वो प्लीज करने के चक्कर में पूरी केयर पूरी एंग्जाइटी पूरी जिंदगी उसकी उसी में चली जाती है सो प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज अदर्स क्यों हो गए क्योंकि भैया प्रेम नहीं कर रहा डोमिनेट कर रहा तो अदर हो गया ना वो ठीक है ना तो वो उस आदमी को प्रसन्न करने के चक्कर में पूरी जिंदगी वो करता रहता है काम किया खाना बनाया हाँ आज कैसा लग रहा है खाना हस्बैंड को पूछिए तो डोमिनेट कर रहा है इसको मेरे को बुखार था फिर भी बनाया इसको ये अप्रिशिएशन चाहिए रिकॉग्निशन चाहिए अप्रिशिएशन चाहिए हाँ। कि अरे ये कर रही है ये अच्छा तो उसको अगर कोई बोले ना हाँ यार अरे यार तेरे को बुखार था फिर भी बनाया तूने क्या अरे तो इसको और हाँ। ये और नहीं बोला तो उसको प्रॉब्लम होता है तो कहीं ना कहीं कार्सिनोसिन का ये इंटेंशन होता है उसके पीछे का रीजन होता है ये सब चीजें करने का जैसे कार्सिनोसिन कैसे होता है ना अपने आप को पीछे रख के करता है जैसे कॉकुलस को सैक्रिफाइस करता है ठीक है कॉकुलस क्या करता है इंडिफरेंस लाइज विद आईज क्लोज मतलब अपनी तकलीफों की तरफ ध्यान नहीं देता है आंखें बंद करके रहता है अपनी तकलीफों की तरफ और जिसको केयर की जरूरत है जिसको तकलीफ है देखो हेल्थ केयर ये ना हेल्थ रिलेटेड ज्यादा होती है कॉकुलस में और कार्सिनोसिन में क्या है उसको चाहिए कि मैं ऐसा कुछ करूं जिसके वजह से मेरा ओपिनियन सबका जो ओपिनियन है मेरे बारे में वो अच्छा रहे मेरे बारे में कोई गलत नहीं बोले यार इसने नहीं किया मुझे जो डोमिनेट करता है वो एक दिन ऐसा मुझे बोले शाबाश मतलब इस एक शाबाशी के लिए करती है नुछावर मतलब क्या ना बड़ी ये शाबाशी प्राप्त करने के लिए जिंदगी भर कार्सिनोसिन ऐसे ही सेवा करता रहता है मतलब है ना कोई हमारे रिलेटिव्स ऐसा ना बोले कि अरे बहू है फिर भी बीमार पड़ गए ससुर तो ये बोलेंगे तो उसको बाप रे मैं बहू होते हुए भी इनको इनका वजन कम हो रहा है ससुर का तो ये ससुर के लिए कुछ ना कुछ करते रहेगी क्योंकि इसको वो अप्रिशिएशन चाहिए और वो ओपिनियन चाहिए अच्छा वो गुड बुक्स में रहना चाहता है कार्सिनोसिन कॉकुलस का ऐसा नहीं है आप कुछ भी करो आप बोलो मेरा बाकी चीजों पे आप ध्यान दे दो वो कन्विंस करे कि बाकी लोगों प्लीज करो वो घर का तुम आज खाना तुम बनाओ मुझे ये दादी माँ को लेके जाना है इसको हॉस्पिटल ये करना है वो करना है ये चीजें करेगा कॉकुलस तो अभी बहुत सारा कॉकुलस हो गया और भी बहुत बाकी है मतलब एक चीज और बाकी है वही बोल रहा हूँ बहुत नहीं बहुत चीजें बाकी और मैं एक बात बताता हूँ जो हमारी ना आप लोगों को सबको ये बात बताते हैं हम लोग सब कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें होती है जो निजी होती है पर्सनल होती है तो वो उसको ना पूरी तरह से हम ओपनली नहीं बता पाते यहाँ पे और वो बहुत जरूरी होती है आपको ना देखो आप क्या करेंगे हमने सिर्फ डिफरेंशिएट किया जलसीमियम से डिफरेंशिएट किया थोड़ा सा कार्सिनोसिन से किया और सेपिया से किया लेकिन और भी बहुत सारी रेमेडीज है जो इसके पास आती है और आप क्या करेंगे सल्फर से भी करना पड़ेगा तो ये सारी जो एडवांस चीज है ना और बहुत ही जल्द हमारा प्लान है कि हम लोग इसके एडवांस केसेस जो बहुत सटल होते हैं आपको ना पहले समझ भी नहीं आता जैसे मैंने एक केस बताया जो कि गुप्ता सर होते शायद तो पहली बार ही पकड़ लेते हो मुझे ऐसे लगा कि जब वो थर्ड टाइम वो आई और बोली कि अरे सर मैं कल से बीमार हूं मैं कल नहीं आया आपके लिए तब मुझे क्लिक हुआ और तब मैंने देखा कि वाई मैच हो रहा है हाउ मैच हो रहा है व्हाट मैच हो रहा है सारे डायमेंशन मैच हो रहा है अभी मैं श्योर हूं कि ये रेमेडी है सिर्फ एक चीज आपको दिख रही है सबके लिए कर रही है सबके लिए कर रही है तो वो यार सबके लिए कर रही है तो सेपिया भी हो सकती है कार्सिनोसिन भी हो सकती है तो आप वो गलत रेमेडी देंगे तो आपको लगेगा कार्सिनोसिन पोडोफाइलम जितनी केयर वाली रेमेडीज हैं तकरीबन 15-20 रेमेडीज बहुत सारी रेमेडीज है फल्सेडिला भी कर सकते हैं सबके लिए कर सकते हैं भी करेगा लेकिन वो कुछ इंटेंशन के साथ करेगा तो ये सारे जो आया मैंने सारे डायमेंशन जब मैच होते हैं तब रेमेडी
यस, वो चीज़ें अपन वेबिनार्स सेमिनार्स इसमें मैं ही कर सकते हैं, उसमें पेशेंट्स को ब्लर करके दिखाते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप वी डू दैट, जो कि यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू डू सच थिंग्स। अच्छा, एक जो रूब्रिक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक, रिकॉग्नाइजिंग द रियलिटी एंड एक्सेप्ट्स इट, इसके लिए एक बहुत अच्छा फ्रेज है जो कि कॉकलस के ऊपर बहुत अच्छा भाता है, आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। द थिंग दैट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। ये टैग लाइन है कॉकुलस का। तो जो भी चीज़ को ठीक नहीं किया जा सकता, वो डिजीज हो सकता है, वो रिलेशनशिप हो सकती है, वो नर्सिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो जो कि क्योर नहीं किया जा सकता, इसको ठीक नहीं किया जा सकता, उसको सहन करते जाओ क्योंकि उसका सोल्यूशन नहीं है। तो ये चीज़ कैंसर के केसेस में भी हो सकती है, सारे कैंसर स्पेशलिस्ट कॉकुलस हमेशा बोलेगा बहुत जगह पर ट्रीटमेंट लेके ठीक नहीं हुआ है, फिर भी आपके पास आया है, किसी ने लेके आया है, आप बोलो सर इतने पास जितनी जगह पे आप ट्रीटमेंट ले लिया, अभी आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप मेरे पास आए हो क्या लगता है सर, बोले सर किसी ने बताया कि ना ये होम्योपैथी में होता है, लेकिन सर देखो सर आप दे दो, मतलब रेवरेंस के साथ, नहीं सर अभी क्या नहीं होता तो क्या करेंगे अभी? क्या कर सकते ऐसे तो इतने साल से आप भी इतने दिनों से कोशिश तो कर रहे हैं सर, आप भी पूरा दिमाग लगा रहे हैं, आप भी पूरी तरीके से 100% दे रहे हैं सर, लेकिन अभी नहीं हो रहा है तो ठीक है सर, क्या मतलब इसको, इसमें भी कैलकुलेशन है कि इतने सारे लोग ठीक नहीं कर पाए, इसमें भी कैलकुलेशन है, और सल्फर भी ऑलमोस्ट ऐसे ही बात करता है, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेट्स फिनिश दिस कॉकलस लेक्चर विद दिस थिंग, द थिंग दैट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। और मैं आप सब लोगों को बता दूं, आप लोगों को भी बता दूं कि डलनेस अंडरस्टैंड क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटेशन, ये रह गया वो बाकी रहेगा, फिर मिलेंगे। ग्रोपिंग एज इफ डार्क डार्क रह गया, इतने सारे रूब्रिक्स, बाप रे सारी चीजें एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना? तो वो आप सेमिनार्स में या तो वेबिनार्स में देखो कैसे कैलकुलेशन एबिलिटी, मतलब हर चीज समझता है, भापता है, सब कुछ करता है, फिर भी एक रूब्रिक है डलनेस अंडरस्टैंड क्वेश्चंस ओनली आफ्टर रिपीटेशन, मतलब बहुत बार बताने के बाद भी नहीं समझता है, तो इसको हम लोग के साथ में होता है, तो इसको हम बताएंगे वेबिनार में। अरे ये जो रूब्रिक है, मैं तो कहता हूँ मैं इस रूब्रिक का साक्षात प्रमाण हूँ, क्योंकि गुप्ता सर ने वही दवा दिखाई, हाँ अभी आ गई, ये तो एल्यूमिना है, मुझको समझ में आ गई है, एक घंटे बाद फिर से एक केस दिखाया एल्यूमिना का, हम और दवा बता रहे समझे नहीं आ रहा। अरे गुप्ता सर, अरे बेटा ये एल्यूमिना ही तो दिखा, अभी लंच के पहले दिखाई है। तो अगर हम ऐसा समझते हैं कि भाई हमको कॉकलस आ गई, तो ऐसा नहीं है, वेबिनार्स में और सेमिनार्स में रेपिटेटिवली डिफरेंट फेसेट्स ऑफ द ड्रग्स, अलग अलग एंगल से ड्रग जो स्टिमुलेशन होता है ना, तो सोचने की क्षमता हमारी बढ़ती है, इसीलिए वेबिनार्स और सेमिनार्स की जरूरत है। ओके, तो फिर ये थ्री नाइस मैन का वीडियो और ये चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सबको शेयर करिए और होम्योपैथी बढ़ाइए, होम्योपैथी बढ़िए, और प्लीज आपके कमेंट्स हमारे लिए बूस्टर है, स्फूर्ति है, हमारे लिए उत्तेजना है कि हम ऐसे वीडियोस और बनाते रहे। हाँ, आप लोगों से कई लोग बोलते हैं कि सर जल्दी जल्दी बनाइए, हर 8 दिन में बनाइए, 4 दिन में बनाइए, तो मैं उन सब लोगों को कहूंगा कि इतना आसान भी नहीं है, बहुत जद्दोजहद करके नहीं, बीच में ना आप काफी लोगों का आइडिया नहीं होगा क्योंकि हर वीकेंड को हमारे वेबिनार्स होते हैं, प्राइवेट एकेडमी के लेक्चर्स होते हैं, तो अगर आप इस इन सब में होते हैं, प्लीज डॉक्टर जयंत और डॉक्टर पीसी को कॉल करिए, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, और यू नो एकेडमिक ग्रुप्स में आप जैसे जैसे इन्वॉल्व होते जाएंगे, फेसबुक के लेक्चर्स अटेंड करेंगे, तो आपको एचएचएफ के बारे में और पता चलेगा, ठीक है? ओके, तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, एक नई रेमेडी लेके। यस, बाय बाय।